आज देश की बेटी के साथ साजिश हो रही है और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसकी जांच की बात उठाने के बजाय उस बेटी के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं आप लोग। आप दो घंटे के अंदर 3 किलो वेट नहीं बढ़ते, वेट बढ़ने में टाइम आप मुझे बढ़ा के दिखा दो 6 घंटे में। देखिए बिल्कुल ब्रजभूषण का पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क स्कैंडल आज भी कायम है और वो काम कर रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उस बेटी का सम्मान होना चाहिए। पूरे सम्मान में हमारा ये दायित्व और फर्ज बनता है कि हम उस बेटी को टूटने ना दें। जिस प्रकार का उसने ट्वीट करके एक ऐसा दर्द जो दिल को छू लेने वाला, मेरा ये मानना है जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो उस बेटी की भावनाओं को समझता है, हर किसी के दिल पे उस बात का बहुत बड़ी ठेस पहुंची होगी जिस प्रकार का ट्वीट उस हमारी विनेश बहन ने किया है। अपनी माँ से माफी मांगी है। प्रदेशवासी करता हूँ, आप इस न्यूज को, इस बात को ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल पर चलाकर उस बेटी को प्रमोट करने का काम करेंगे, उसके सम्मान की इस लड़ाई में उसका साथ देंगे। धन्यवाद। मैंने 3 चीजें आपके सामने रखी हैं। मैंने एक चीज ये रखी, अभी हाल का जो चुनाव है उसमें उनको कैंडिडेट बना के उसमें उतारा जाए। मैंने दूसरी बात ये रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उनको स्पोर्ट्स कोटे से नॉमिनेट करवाए राज्यसभा के लिए। तीसरी कैंडिडेट बात मैंने जो आपके सामने रखी है, जो पार्टी, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं दूसरी पार्टी को, जो ये दावा कर रहे हैं कि 2.5 महीने के बाद उनकी सरकार बनने वाली है, वो इस बात की दावा करें कि हम वहाँ से उनको दादरी से चुनाव लड़ाकर और उनको जिताकर विधानसभा में ले जाकर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बनाने का काम करेंगे। मैंने 3 चीज़ें रखी हैं। मैंने एक बात का उल्लेख नहीं किया आपके सामने। 3 चीज़ों में से कोई चीज़ का ऐलान हो उस बात से लगता है इनकी बात में दम और सच्चाई और इनके अंदर तड़प और दर्द है उस अपनी बहन और बेटी के लिए। नेता जी, जिस तरह से राज्यसभा में भेजने की बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं जी, उसकी तो कोई ऐसी डिजायरमेंट नहीं है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं की, ये तो आप लोग राजनीति के लोग ही राजनीति कर रहे हैं। देखिए उसने कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन उस बेटी के सम्मान में हमारा ये दायित्व और फर्ज बनता है कि हम उस बेटी को टूटने ना दें। जिस प्रकार का उसने ट्वीट करके एक ऐसा दर्द जो दिल को छू लेने वाला, मेरा ये मानना है जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो उस बेटी की भावनाओं को समझता है, हर किसी के दिल पे उस बात का बहुत बड़ी ठेस पहुंची होगी जिस प्रकार का ट्वीट उस हमारी विनेश बहन ने किया है। अपनी माँ से माफ़ी मांगी है, प्रदेशवासियों से मांगी माफी है और उस खेल जिसमें उसने अपना जी जान लगा दिया उस खेल से अलविदा कहने की जो है ना बात की है, वो बहुत बड़ी बात है। तो इतना बड़ा देश है, इस तरह के इवेंट तो बहुत सारे होते हैं, कई लोग इस तरह की चीज़ों से टूट जाते हैं, क्या सबको राज्यसभा में भेजोगे? जो को ऐसा कौन टूट गया इस प्रकार से? 5 खिलाड़ी और हैं। मुझे ये बताइए इस प्रकार से फाइनल में जाकर कौन सा खिलाड़ी आज तक हुआ है? और ये वही खिलाड़ी है, कोई आम खिलाड़ी नहीं है जिसने उस पे बैठ के वहाँ दिल्ली के अंदर अपनी लड़ाई लड़ी थी, जिसके साथ अन्याय हुआ था, वहाँ भी उसको न्याय नहीं मिला। और उसी न्याय, मेरे को ये लगता है वही न्याय ना मिलना ही इसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित हो रही है। वही 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 बेटी जिसके साथ वो व्यवहार हुआ और उसने वो आज गोल्ड लाती, तो ये सारे पूरे उन तंत्र के ऊपर एक तमाचा था, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता, कहीं ना कहीं सोई उसकी तरफ भी घूमती है। आपको लगा कि साजिश पैरा ओलंपिक में पिछले साल, जैसे पिछला ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें पैरा ओलंपिक में रोहतक का मलिक है, कोई सुनील मलिक क्या नाम है, विनोद मलिक, उसको ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था उसने, उसके बावजूद उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि वो कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, तो उसका ब्रॉन्ज मेडल वापस ले लिया राजू रोटी के मिलाने पड़े उस आदमी को। मेरे से वो मिला था, उसमें भी इन सरकारों की बहुत बड़ी, उसकी भी आवाज़ मैंने उठाई थी। आज जिस मलिक की आप उस मलिक की बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी सरकार की फेलियर मानता हूं मैं, इस सरकार की जो है ना सिर्फ बातें मानता हूं, ये जो सरकार खिलाड़ियों की जो बड़ी बड़ी बातें करती है उसके पीछे उसका कारण मानता हूं। आज इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने खिलाड़ियों के सारे कोटे, सारे भत्ते, सारे कैश अवार्ड बंद करके उनको कर दिया। मैं इस बात से उनके आर्टिकल पे मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, जब इस लेवल पे उसका चंद घंटों में इतना वेट बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया एक चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है। मेरा उस 100 ग्राम वेट पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, 100 ग्राम वेट बढ़ जाना डिस्क्वालीफाई उस रूल के तहत आता है, मैं उस रूल को और उसको चैलेंज नहीं कर रहा। मैं चैलेंज, मेरा जो सवाल है, मेरा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है इतने थोड़े समय में 2 किलो 700 ग्राम वजन का बढ़ना, ये बहुत बड़ी, उन सब कोचिज को उनके जो उनके डाइट के, मेरी सुनिए, उनके गवर्नमेंट उस लेवल पे, गवर्नमेंट जब वहाँ जाती है वो पूरे गवर्नमेंट के जो है वो सारी उस
देख रेख में होता है। साथ इसके तो पर्सनल कोचेज और सारे टीचर्स के पर्सनल के साथ, उसमें गवर्नमेंट वाले भी साथ हैं, उसके ऊपर ही ये सवालात है कि वो कहीं ना कहीं साजिश के तहत ऐसी चीज इसको वो दिया गया है जिसकी वजह से इतना जल्दी इसका इतना वेट गेन हो गया है। सर, इसका एक्चुअल वेट 53 केजी है और रात को इसका वेट 2.5 किलो ज्यादा था। मान्यवर, आप जिस प्रकार से पैरवी कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको तैयार करके भेजा, ये हर खिलाड़ी अपने वेट को लूज करता है, हर खिलाड़ी अपने वेट को लूज करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। मैं सभी एक्चुअल मैं क्या बता रहा हूं, आप इतना ज्यादा डाटा कहां से आ गया आपके पास? हर खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में, मैं 100% मैं आपको बता रहा हूं 100% खेली है ये। सर एक मिनट, अगर वो वहां तक खेली है तो वो या तो पहले ओलंपिक वाले गलत थे या बाद में गलत थे। मेरी सुनो, आप एक मिनट, आप जो सवाल कर रहे हो ये वेट घटते बढ़ते रहते हैं, मेरी सुनो, लेकिन इतने जल्दी चंद घंटों में, 1-1.5-2 घंटे में वेट नहीं बढ़ते माय डियर। मेरा क्वेश्चन ये है, आप 2 घंटे के अंदर 3 किलो वेट नहीं बढ़ते, वेट बढ़ने में टाइम, आप मुझे बढ़ा के दिखा दो, 6 घंटे में अपना वेट बढ़ा दे। और एज ए मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपना वेट बगैर नॉर्मल चीजें लेके मुझे बढ़ा के दिखा दो, आप ही तो इंसान हो। मैं आपको क्या, उसका वेट उससे पहले उसने बाइट की थी जिसमें जीती थी वो, उसमें उसका 50 किलो से कम वेट था, उसमें सारे वेटों में उसमें वो क्वालिफ। आपको पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी आप चार हो के आए हो, किसी के भेजो, हर बार ये करते हो आप लोग, मुझे पता है आप जिस टाइप से हो। मुझे सवाल है, मैं जो सवाल जितना जोर लगा के पूछ रहे हो ना, वो आपकी उस आपकी मुझे आपकी फैक्टों का ज्ञान है, मुझे दिए कुछ ज्ञान। सवाल की बात कर रहे हैं, उनकी बहन कह रही है कि हमारे परिवार को तोड़ना बंद करे, राजनीति में ना। कौन सी बहन? उनकी कौन सी बहन? वो तो बहन हमेशा राजनीति का खुद शिकार है, वो उनकी बहन खुद बीजेपी की है, उनकी बहन का कितना प्यार उनके ऊपर है, कितना आशीर्वाद उनके बाप का है, ये पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, वो देश जानता है। वो उसकी बहन जब वो जंतर मंतर पे बैठी थी उसके प्रति कितना लाड जता रही थी, इस बात को पूरा विश्व जानता है। उसके साथ पूरी साजिश हुई है, इसमें कतई कोई दर नहीं है। ये जो कोई जो सरकार के लोग कुछ बोलते रहे हैं, कुछ वो करते रहे, इसमें 100 और उसने ये शक पहले आपके मीडिया के साथी खुद बता रहे हैं। 24 अप्रैल के इंटरव्यू में वो इस बात को दर्शा चुकी है, इस बात को कह चुकी है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उस बेटी पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और देश की बेटी के साथ साजिश। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वो आज किसी व्यक्ति विशेष की बेटी नहीं है, वो आज देश की बेटी है। वो तिरंगा लहराती, मेडल लाती तो पूरे देश के लिए लेके आती। आज ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और आज उस पर मैं राजनीति करने के लिए प्रेस वार्ता नहीं की, मैंने उस राजनीति को बंद करके वास्तव में उसको सम्मान देने के लिए मैंने प्रेस वार्ता। देखिए बिल्कुल ब्रजभूषण का पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क स्कैंडल आज भी कायम है, वो काम कर रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उस बेटी का सम्मान होना चाहिए। बात राज्यसभा की नहीं है, राज्यसभा में बहुत से खिलाड़ी आए भी चले गए, किसी को याद नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े हमारे विख्यात जो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं, जो राज्यसभा में आए और चले गए, बात राज्यसभा की नहीं है। राज्यसभा में ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम डुबो रहे हैं। 4 दिन पहले मेरे महम के विधायक ने जिस प्रकार से, और आपने किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं किया, किस बार क्या वो सवाल उठे? राज्यसभा कोई मैंने नहीं है, बात है सम्मान की, बात है उस बेटी के अभिमान की, हमारे देश के झंडे की। वो झंडा तिरंगा ऊंचा करती वहां पे अगर वो गोल्ड लेके आती, आज उसके लिए बात हो रही है। पहलवान तो छीन लिया, पहलवान तो इस तंत्र ने छीन लिया, उसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मैं उसके लिए मैं ये कह रहा हूं, अगर ऐसे ऐसे जिनको उस दर्द और तकलीफ की, जब ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेंगे
संदीप सिंह जैसे नहीं, मक्कार लोग जो अपनी बहनों के साथ में अपनी पावर के नशे में दुर्व्यवहार करने वाले हों। और आज उस टाइम पर उसको प्रोटेक्ट किया हरियाणा की सरकार ने, और आज उसी कोर्टों ने उसको दोषी करार दिया है। ये मैं उसको राजनीति में इसलिए लाने की बात कर रहा हूं, अगर वो बहन राजनीति में आएगी उसको उस दर्द का एहसास है। वो उन खिलाड़ियों को, हमारी बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं आज हमारे देश के अंदर, बेटियों ने इस देश का मान रखा है। बेटे इतना कुछ नहीं कर पाए जितनी बेटियों ने किया है। वो बेटी, मैं इसलिए उसको पॉलिटिक्स में देखना चाहता हूं, इसलिए उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखना चाहता हूं। जब ऐसी बेटी देश की स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगी तो हमारे देश की बेटियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो खेलना चाहती हैं, उनको पूरी तरह प्रोटेक्शन देकर वो उनका सपना पूरा करवाने का काम करेगी। विनेश फोगाट अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगी तो सैकड़ों नहीं हजारों विनेश फोगाटों को वो मेडल के लिए प्रेरित करने का काम। देश की बेहतर पहलवान है, अच्छी टेक्निक की पहलवान है, सब मानते हैं इसको, तो क्या आपको नहीं लगता विनेश को अपने जैसी विनेश पैदा करनी चाहिए राजनीति के? विनेश, इस राजनीति की वजह से ये बेड़ा गर्क हो रहा है, वो विनेश ऊपर नहीं जा पाती। इस पॉलिटिकल तंत्र की वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं वो विनेश जब उस पावर पर, उस सिस्टम में आएगी तो कितनी विनेशों को वो उस मुकाम पर ले जाने का काम करेगी, उनके सपने पूरे करवाकर इस देश का नाम रोशन करने का काम। क्यों नहीं राजनीति में अच्छे लोग वो जब तक नहीं आएंगे जब तक ये राजनीति का गंध भी दूर नहीं होगा। आप एक ये बताओ, एक सवाल आपसे है, क्या ये यही दुर्भाग्य देश का? आप रुको एक मिनट, आप मत बोलो। आप जब तक इस देश की राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, ये अनपढ़ गवार और ऐसे लोग जो सारा इसको भुगतना पड़ता है, ऐसे जब तक लोग आते रहेंगे, मेरा यही सवाल और मेरी यही लड़ाई है, जब तक डिजर्व करने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो होना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स का ज्ञान दर्द, और वो नीचे से उठा हुआ जो उस काम को करके अपने ही आगे तराश कर ऐसे युवाओं को वहां ले जाने का काम। साहब जैसे विनेश की बात राजनीति में लाने की, ऐसे ही साक्षी मलिक भी ओलंपिक में पदक लेके आई है, उसके साथ भी धक्का मुक्की हुई, उसके साथ भी लाके, क्या उसको भी राजनीति में लाने? बिल्कुल, मेरा ये मानना है जब तक साक्षी और विनेश जैसी हमारी बहन बेटियां जब तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बनेंगी तब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसे अन्याय होता रहेगा। उस बात के ऊपर भी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, वो आज ऐसी मनोबल स्थिति के अंदर है कि वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है। वो विधायक जी, उसने ये भी स्टेटमेंट नहीं दिया है अगर जो ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो आज ऐसे मानसिक दौर से है, उसकी स्थिति को वही जान सकती है आज किस प्रकार के दौर में। और बिल्कुल वेतन, मैं तो ये भी अपील करता हूँ जितने हमारे नेता हैं उनको सबको कम से कम एक एक महीने का वेतन देने की घोषणा करनी चाहिए। और मैं पैसे वाला इशू नहीं, लेकिन आपने जो कहा उस बात का, मैं अपनी तरफ से अपने 2 महीने का वेतन उस बहन के सम्मान में उसको देने की घोषणा करता हूँ। जी, आपने कहा कि वो साजिश का शिकार हुई है। जी, साजिश भी कह रहे हैं इसी देश के लोगों ने, इसी देश का मेडल, लेकिन उनकी मंशा क्या थी कि साजिश कहते थे मेडल खत्म हुआ इस देश के लोगों, क्या मंशा? उनकी मंशा ये थी जिस बेटी के साथ पूरे विश्व ने देखा जो व्यवहार और जिस प्रकार का उससे साथ किया, और वो बेटी अगर वहां ओलंपिक में सोना लेके आती है तो उन लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ था, तमाचा था, वो तमाचा ना लगे इसलिए उसको बदनाम वो करने के लिए उस बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। उन लोगों के उस सिंडिकेट ने, उस स्कैंडल ने इस बेटी के साथ ये व्यवहार करने का काम किया। धन्यवाद आप सबके सहयोग और कोऑपरेशन के लिए। आपने ये जो पार्टी सरकार बनाने दावा करी तो बीजेपी भी कर दिया, कांग्रेस भी कर दिया, किसने मंत्री पद का ऑफर देना चाहिए, कौन सी पार्टी ने देना चाहिए? देखिए बीजेपी आले तो इब कुछ करे जा उनका तो मामला कोनी, बाकी दूसरे का जरूर मेरे सहयोग से जरूर सरकार बनेगी, मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज विनेश के लिए था ओपी भाई, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दे, अपनी बातें फिर करेंगे।